हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सूर्या और स्वागत है आपका अपने चैनल रसीली रसोई में। मैं आज आपके लिए कटहल का टेस्टी और पारंपरिक तरीके से बनने वाला अचार लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है। इसे हम घर पर झटपट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक जैक फ्रूट चाहिए। ये मैंने एक 3-4 किलो के अराउंड जैक फ्रूट लिया है और जिसे मैं काट कर और फिर यह अचार बनाऊंगी। इसमें मुझे खट्टेपन के लिए थोड़ी सी कैरी भी चाहिएगी। ये देखिए, मेरे पास ये जैक फ्रूट है जिसे काटते हुए थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मेरे काटते हुए मेरे हाथों में दो जगह कट लग गए हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी सावधानी से इसे कट करिएगा। तो उसको मैंने अब मुझे आज बॉईल करके मैं अचार बनाना बताऊंगी। तो मैंने अच्छे से पानी में इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये देखिए, जैक फ्रूट को मैं डाल लूँगी। 3-4 किलो के अराउंड मैंने ये अचार बनाया है। तो मैं उसी तरीके से आपको, ज़्यादा अचार कैसे बना सकते हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको ये रेसिपी बनाना बता रही हूँ। तो ये मैंने कटहल को अच्छे से पानी में, मैं आधा पकने तक मैं अच्छे से इसको पका लूँगी। और जब मैं इसे पकाऊँगी उसके बाद मुझे इसे धूप में सुखाना है, जिससे कि इसके सारा इसका पानी है जो निकल जाए। ये देखिए, जैक फ्रूट हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और ये मैंने ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए। अब मैं अपने मसाले हैं उनको भूनूंगी। तो मैंने 1 कटोरी मेथी और आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा सौंफ ली है। अब मैं इसे हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। कटहल का अचार आप बॉईल करके भी बना सकते हैं, या फिर आप बिना बॉईल किए सीधा ही कट करिए और उसके अंदर अपने मसाले वगैरह ऐड करिए और आप रख दीजिए। कटहल का अचार बहुत दिनों बाद पकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, मेरे जो मसाले हैं वो मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो हमारे मसालों में से नमी निकल जाती है, दूसरा ये मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें मैंने सौंफ और मेथी दोनों डाल लिए हैं। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया था, अब ये ठंडा भी हो चुका है। अब चलते हैं हम हमारे मसालों की ओर, जिसे मैं पीस लेती हूँ। ये मैंने पीली सरसों ली है जिसे मैंने पीस लिया है। इसे मैं रोस्ट नहीं करूँगी, ये ऐसे ही डलेगी। और ये जो मेरे मसाले हैं मैं इन्हें भी पीस लेती हूँ, सौंफ और मेथी को। अब मेरा तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं अपना पहले मैं इसमें पिसी हुई पीली सरसों ऐड करूँगी, फिर मैं इसके अंदर हमारे बाकी के मसाले ऐड करूँगी जो भी मैंने इसमें पीसे थे, जैसे कि सौंफ और मेथी। इनको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। ये ऑयल के अंदर ही मिक्स करने हैं, ना इसे पकाना है ना इसे पहले से भूनना है तेल के अंदर। तो इसे मैं थोड़ी देर ऐसे रखूँगी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक जैसे भी कम या ज़्यादा रखना है। अचार जब भी आप बनाएं तब उसमें नमक और मिर्ची की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए। ये देखिए, मैंने हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। मिर्ची की मात्रा और नमक की मात्रा ज़्यादा रखने पे जब अचार थोड़े दिनों बाद सेट होता है तो उसमें कम हो जाती है, इसलिए हम इसकी क्वांटिटी को हमेशा ज़्यादा ही रखेंगे। ये मैंने थोड़ी सी, 1 पिंच से थोड़ी ज़्यादा हींग इसमें ऐड की है और मैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत टेस्टी अचार बनता है कटहल का। और कटहल का अचार बनाने के लिए हमें कैरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कैरी होना ज़रूरी है क्योंकि कैरी से एक खट्टापन आता है हमारे अचार में। और मैं इसमें आज मीठे मीठे के लिए गुड़ का यूज़ करूँगी, जिससे हमारा अचार थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा चटपटा बनकर तैयार होगा। कैरी से एक तो खट्टा बनाता है, दूसरा ये कि अचार को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से हमारा अचार गल जाता है। ये देखिए, मैंने अपना कटहल है जिसे मैंने धूप में 6-7 घंटे के लिए, तेज़ धूप में, और अगर आपके धूप नहीं है तो आप एक रात के लिए इसे अराउंड 24 घंटे तक इसे सुखा कर रखिए, जिसे कपड़े पर फैला कर रख लीजिएगा। और ये बिल्कुल मैंने सारा अचार इसमें, सारे कटहल के पीसेस इसमें मसाले में ऐड कर दिए हैं। देखिए, धीरे धीरे मैं सारे मसाले में ऐड करती जा रही हूँ कटहल के पीसेस को। और फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक
कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने मेरे को एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो आप दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं ऑन कीजिएगा, नहीं तो मैं अनसब्सक्राइब हो जाती हूँ, कई बार अनसब्सक्राइब भी हो जाती हूँ मैं, इसलिए आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये अचार हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसमें मैं लास्ट में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा इसमें मैंने एक या दो कैरी जो होती है कच्चा आम, वो भी मैंने कसकर डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर बाद हमारा अचार बिल्कुल बनकर तैयार है। लेकिन थोड़ी देर बाद सिर्फ अचार बनेगा, पकेगा नहीं। ये खाने के लिए कम से कम इसे 2 महीने का, मतलब 1.5 महीने या 2 महीने का टाइम इसमें ज़रूर चाहिए, जिससे हमारा अचार बिल्कुल गल कर तैयार होगा और जैसे भी हम इसे जब खाएंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। और जब मैंने अचार डाला है ये फ्रेंड्स, तब ये अचार बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ये बन गया, लेकिन जब ये खाया मैंने तो मैं बता नहीं सकती, इतना यमी इसका टेस्ट आता है ना, बहुत बेहतरीन। तो चलिए, हमारा कटहल का अचार बिल्कुल बनकर तैयार है दोस्तों। तो आप इसे इसी प्रकार से बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये अचार कैसा लगा, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।